खींचतान के बाद इंदौर जिला सत्र न्यायालय के नवनिर्मित भवन को लेकर एक बार फिर नया विवाद खड़ा हुआ है। अब इस भवन के हो रहे निर्माण के दौरान एनजीटी में पिपलिया पाला तालाब के पक्ष में याचिका करने वाले कैलाश पटेल यानी कि कैसे पटेल ने बताया कि आगामी 29 नवंबर को सुबह 11 बजे वन मंत्रालय एवं जल संसाधन पर्यावरण विभाग का एक दल तालाब का मौका मुआयना करने आ रहा है। उनके इस जायजा करने के बाद यह तय होगा कि जिला सत्र न्यायालय का नव निर्मित भवन का क्या तालाब से 50 मीटर की दूरी पर बन रहा है। कैसे पटेल ने आरोप लगाया कि जिला न्यायालय ने न्यायाधीशों व अन्य दबाव के चलते प्रशासन कार्य कर रहा है, जिसमें तालाब में मिट्टी डालकर उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऑर्डर के मुताबिक तालाब से करीब 50 मीटर की दूरी पर नए भवन निर्माण की बात सामने आई है। आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर के पिपलिया पाला तालाब के पास बन रहे करोड़ों की लागत से नव निर्मित न्यायालय भवन का जिला सत्र न्यायालय के अधिवक्ता व अभिभाषक संघ द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं अब एनजीटी में अपीलकर्ता का आरोप है कि नव निर्मित भवन निर्माण के चलते तालाब को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। सर आप बताइए कृपया। मैं कैलाश चंद्र पटेल, केसी पटेल, ये एनजीटी में अपील करता था। एनजीटी का आर्डर तालाब के पक्ष में आया, किंतु प्रशासनिक न्यायाधीश महोदयों के प्रशासनिक दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तालाब की ये दुर्दशा कर रखी है। अभी कल जो है वो लेटर केएस लाल जी, जो वन उन पर्यावरण मंत्रालय के जांचकर्ता अधिकारी हैं, उन्होंने लेटर जिला सत्र न्यायाधय कलेक्टर महोदय और एनजीटी के अपीलकर्ता के एडवोकेट श्री शर्मा वकील साहब को एक लेटर दिया है। उसके अनुसार 29 तारीख की सवेरे 11 बजे ये केंद्रीय जांच दल वन मंत्रालय एवं जल संसाधन एवं पर्यावरण विभाग की एक केंद्रीय जांच दल इस तालाब का दौरा करेगा और वो सुनिश्चित करेगा कि ये तालाब में जो भरा पानी है इससे 50 मीटर दूरी पर क्या ये न्यायालय बनाया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी एवं प्रशासन के लोग उच्च स्तरीय दबाव में आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप देखिए तालाब इतना भरा हुआ है और इससे 50 मीटर कहाँ, 50 मीटर के दायरे में पूरी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन ये प्रशासनिक दबाव में नीपा पोती करने के हिसाब से, ये आप देखिए तालाब में मिट्टी ढकाई जा रही है, मिट्टी तालाब में डाली जा रही है जेसीबी से, और ये जो निशान दिख रहे हैं आपको जो इसकी बाउंड्री पे है वहाँ तक पानी था। 3-4 दिनों में इन्होंने ये पूरा 1.5-2 फीट पानी नीचे कर दिया है, पानी बाहर निकाल दिया है तालाब से, और अभी भी इनकी प्लानिंग चल रही है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जांच दल जो है वो यहाँ आया हुआ है और जांच दल जो है वो तहसीलदार साहब और इनके प्रशासनिक अधिकारी इसकी लिपापोती में लगे हुए हैं। आप देखिए इस लोकतंत्र में संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का के आर्डरों का किस ढंग से उल्लंघन किया जा रहा है, और ये प्रशासनिक अधिकारी आप देखिए आपकी आंखों के सामने करोड़ों जनता इसकी गवाह है, लाखों लोग इसको तालाब को देख चुके हैं, प्रकृति ने न्याय किया है, भगवान ने पानी बरसा के और इसकी बाउंड्री तालाब की सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी न्यायालयाधीन न्यायालय के प्रभाव में आकर और इस तालाब की दुर्दशा कर रहे हैं, और एक जो जनता की अमूल्य जो धरोहर थी उसको किस ढंग से नष्ट किया जा रहा है। आप देखिए कि होलकरकालीन हाइड्रेंट इसमें बना हुआ है जो अभी 4 फीट ऊपर है, 4 फीट ऊपर आने पे भी पानी उसके बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इन लोगों ने ये प्रशासनिक लोगों ने दबाव में आकर और सारे तालाब का पानी बहा दिया गया है गंदे नाले में। आप देखिए किस ढंग से इस तालाब का ये जो है शोषण कर रहे हैं और आम जनता का नहीं ध्यान रखते हुए, और ये केवल प्रशासनिक लोग जो आम जनता के टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है उससे तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ये वफादारी प्रेशर में निभा रहे हैं और किस ढंग से अन्याय कर रहे हैं, ये जनता के सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि लोकतंत्र में उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आर्डरों का किस ढंग से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। केंद्रीय दल जो यहाँ आ रहा है उसके पहले ये सारी नीपापोती कर रहे हैं। आप देखिए करोड़ों जनता इसकी गवाह है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय का कहना है कि शासन ने मान लिया है। शासन में कौन है? कलेक्टर और कमिश्नर महोदय ही तो शासन में है। आप लोग देखिए जनहित में कर नहीं रहे काम और जजों के प्रेशर में काम किया जा रहा है और इस तालाब का पूरी तरह इस तालाब को खत्म किया जा रहा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम केसी पटेल है, मैं याचिका करता हूँ ग्रीन ट्रिब्यूनल में। हमने केस लगाया था।
ठीक।